महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र सीएम धामी पहुंचे, तो पीएम मोदी समेत 22 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। तो सीएम धामी ने फडणवीस को बधाई दी और महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महायुति सरकार बनी है, वो सरकार महाराष्ट्र और उसके विकास को आगे ले जाएगी। जहां भी है पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी लगातार विकास होगा। वहां सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया है, वो महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है, वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर विस्तार दिया जा रहा है। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो गंगोत्री विधायक सुरेश सहित क्षेत्र के सभी नागरिकों ने मुख्यमंत्री का इसको लेकर आभार भी व्यक्त किया। इसके लिए मैं सरकार का और माननीय विधायक जी हमारे गंगोत्री विधानसभा के बहुत ही यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रमुख जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज जो है वहां पे 50 बेड का हॉस्पिटल हमारी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली है और जिसकी नितांत आवश्यकता थी पूरे ब्लॉक को। और उससे स्थानीय लोगों को तो सुविधा मिलेगी, अपितु जितने भी हमारे चार धाम गंगोत्री धाम को आते हैं उनके लिए भी जो है यहाँ जो है बहुत बड़ा एक वरदान समझता हूँ कि इमरजेंसी के टाइम पे जो है ये जो है हमारे लिए जो है मील का पत्थर साबित हो रहा है। देखो जो सीमांत विकास खंड भटवाड़ी में और गंगोत्री मार्ग की लाइफ लाइन माना जाता है भटवाड़ी, और उससे ऊपर कहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो सबसे पहले मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत यहाँ की जनता की ओर से और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी, जिन्होंने यहाँ पर 50 बेड का लगभग 22-23 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो है भटवाड़ी के लिए स्वीकृत किया, और उससे हमारे तमाम जो सीमांत के लोग रहने वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा और तमाम जो हमारे तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आते हैं उनको भी इस हॉस्पिटल से लाभ मिलेगा। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हुए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत सभी 11 नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी कार्यालय से इस संबंध में सूची जारी कर दी गई है, जिसके तहत देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार से राकेश गिरी, श्रीनगर रमेश गाड़िया, पिथौरागढ़ गोविंद पिलखुआल, अल्मोड़ा प्रदीप बिष्ट निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उधर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में हजारों युवा कांग्रेसियों ने देहरादून सचिवालय कूच किया। इस दौरान कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो की थीम के साथ बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि युवा अब जाग चुका है और अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतर चुका है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे में झोंका जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये युवा पुकार रहे हैं
ललकार रहे हैं कि हमने नशा देने के लिए सरकार नहीं बनाई थी, ये रोजगार देगी, नौकरी देगी, इसके लिए बनाई थी। इसलिए आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सड़कों पर निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की, जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम। मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भानु जी को और हमारे सुमित्र भुल्लर जी को बधाई देता हूँ कि बड़ी संख्या में युवाओं को पूरे प्रदेश से वो यहाँ लेके आए। जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। अडानी की पोर्ट पर 3,000 करोड़ रुपये का नशा पकड़ा गया, लेकिन हम दो हमारी दो की सरकार ने कोई कार्यक्रम या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लगातार राहुल गांधी जी मांग उठा रहे हैं कि जेसीबी का गठन हो, हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और अडानी को जेल में डाला जाए। एक तरफ अमेरिका वारंट जारी करता है, लेकिन भारत की सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। तो ये उदाहरण है। और वहीं उत्तराखंड में हर गांव कस्बे में आज नशा पहुंच गया, स्मैक से लेकर सारा तमाम किसान का नशा, दुकानों के साथ साथ एक एक दो दो एडिशनल दुकानें खोलने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं। और वहीं युवाओं को नशे में धकेल कर उनका जो ध्यान रोजगार की तरफ होना चाहिए, परिवार की तरफ होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी की तरफ होना चाहिए, उनको नशे में डुबाया जा रहा है ताकि काला धन आएगा, उससे ये लोग सरकार बनाते रहेंगे। जैसी गूंगी बहरी सरकार ये है, जिसको पता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक भाई ने बोला, पाब्लो एस्कोबार इंडिया का जो अडानी है, उसने काला धन देकर उसकी मदद से बीजेपी हमेशा सरकार बनाती है। लेकिन इस मुश्किल में मत रहिएगा मोदी जी, ये भारत का युवा है और जब एक बार जाग गया तो जितना भी काला धन आप ला दो उसको कमजोर नहीं कर, युवा सामने आएगा। हमारी डिमांड है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई हो, भारत के युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बने जिससे उनको रोजगार मिले और ड्रग से छुटकारा मिले। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको परम विश्वास है फिर से इलेक्शन आएगी, हिंदू मुसलमान करोगे और धर्म के नाम पे जात के नाम पे वोट लोगे। लेकिन भारत अब आपकी चालें समझ चुका है। हम डिमांड करते हैं अडानी को अंदर कीजिए और युवाओं को रोजगार और नशा मुक्ति के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम बेरोजगारी को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन सरकार ने रोजगार उपलब्ध तो नहीं कराया युवाओं को, नौकरी तो नहीं दी, लेकिन समाज में लगातार नशा बढ़ रहा है। आज शहरों को तो छोड़िए, बड़े शिक्षण संस्थानों के आसपास तो नशा लगातार उपलब्ध है ही, पेडलर्स घूम रहे हैं खुलेआम। उसके साथ साथ आज पहाड़ के दुरुस्त स्थानों तक भी नशा पहुंच गया है, हर गली मोहल्ले में नशा उपलब्ध है। आधे चौराहे में देहरादून में खड़े हैं हम, देहरादून के कम से कम 10 ऐसे चौराहे हैं कि जहां पर आप खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए तो आपको खुद पेडलर ढूंढ के संपर्क करेगा नशा लेने के लिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या इस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा? तो हमारी ये सीरियस डिमांड है और हमारा ये दावा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके परिवार नशों ने खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो ये हमारे लिए एक राजनीतिक के साथ साथ एक भावनात्मक मुद्दा भी है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करे। उधर प्रदेश में चल रहे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार द्वारा फिर से 3 साल का समय विस्तार किया गया है, जिस पर राज्यपाल द्वारा मोहर भी लगाई जा चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मलिन बस्तियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिस तरीके से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर टाल मटोल कर रही है और अब 3 साल का समय और लिया गया है, ये केवल और केवल चुनावी फायदा लेने वाला फैसला है, क्योंकि अभी प्रदेश में निकाय चुनाव और 2027 के चुनाव होने हैं। मलिन बस्तियों को भ्रम डालकर सरकार अपने वोट में तब्दील करना चाहती है, ये सरकार का केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने वाला फैसला है। पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि हम ये करेंगे, तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देता। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए आप 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जा रही, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले इनके दिमाग में ये रहेगा, 3 साल बाद फिर हम बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे सीधे एक नियम बनाए और उनको रेगुलराइज करे। तो ऋषिकेश में 100 करोड़ की लागत से आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन बनवाया जाएगा। इससे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार भी सृजित होगा। वैसे भी ऋषिकेश योग नगरी है और दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पर राफ्टिंग के लिए आते हैं। आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन के निर्माण से सूबे में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत
धनराशि स्वीकृत की है। बजट स्वीकृत होने के बाद राफ्टिंग केंद्रों पर शौचालय, कपड़े बदलने की सुविधा और खान पान की सुविधा मिलेगी। तो राफ्टिंग बेस स्टेशन बनाने का उद्देश्य योग नगरी में राफ्टिंग के लिए बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटना है और कमियों को दूर करना है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को हर स्तर पर सहयोग मिल रहा है। अब पीएम मोदी ने ऋषिकेश के लिए 100 करोड़ की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर राज्यवासियों को एक और उपहार दिया है। उधर बारिश न होने की वजह से प्रदेश में सूखी ठंड के साथ ही प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ आम जनता को परेशान कर रहा है, जिससे सांस संबंधित समस्याओं के साथ ही सर्दी जुखाम के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों सहित राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बनी हुई है। हालांकि अस्पतालों में मरीजों को उचित उपचार मिल सके, इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित हों। इसके साथ ही संजय जैन ने लोगों से भी अपील की है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति खास सावधानी बरतें। ये कि एक तो बारिश नहीं हुई है और प्रदूषण भी थोड़ा सा बारिश न होने की वजह से बढ़ गया है, और दिन के और रात के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस है। ठंड का भी प्रकोप अपनी उस पर नहीं आ पाया, इस वजह से इस समय फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए यह मौसम सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है, तो उसी से संबंधित मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जैसे ही बारिश हो जाती है तो फिर दिन में भी यदि सर्दी बढ़ जाती है तो इन केसों में अपने आप स्वतः ही काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें निर्देश दिए गए, इस बीमारियों से संबंधित लोग जो आए उनका नियमित रूप से उपचार करें। और लोगों से भी मेरे ही अनुरोध है देहरादून की जनता से, इस समय ज़्यादा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर ना निकलें जब तक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। प्रदूषण एक बार कम हो जाता है उसके बाद फिर नियमित रूप से अपनी वॉक करते। तो कूड़ा कचरा और गंदगी के चलते लाख प्रयासों के बावजूद हरिद्वार में गंगा जल पीने योग्य नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अर्घ्यपौड़ी समेत 4 जगहों से लिए गए पानी के सैंपल में वाटर क्वालिटी का मानक 20 श्रेणी का आया है। पानी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा स्टैंडर्ड मानक से अधिक मिली है। पीसीबी के अनुसार 20 श्रेणी का पानी बिना फिल्टर पीने योग्य नहीं होता है, हालांकि नहाने के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। पीसीबी ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। हरकीपौड़ी से लिए गए सैंपल में बैक्टीरिया का स्तर 70 एमपीएन दर्ज हुआ है, जबकि रुड़की गंग नहर में इसकी मात्रा 120 एमपीएन है। पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी गंगा में गंदगी डाले जाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी गंगा में पुराने कपड़े, प्लास्टिक, पूजा के फूल और अन्य सामग्री, कूड़ा और गंदगी डाली जाती है। हरिद्वार में जनवरी से महाकुंभ भी होना है। उधर हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। तो सीडीओ ने विशेष रूप से कहा कि यदि पेयजल आपूर्ति या लाइन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे तत्काल दूर करने के लिए एक प्रशिक्षित टीम को तैनात किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि इस टीम का संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जाए ताकि लोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं FSTC जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां सरकार बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर में जाने से बच्चों को परेशानी हो रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर ग्राम में ग्रामवासियों ने पानी निकासी को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। मोहल्ले में पानी भरा है जिससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और बीमारी भी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने SDM से जल्द समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है।
हमारे एक मोहल्ला है, वहाँ पर 15-20 साल से एक किसान के खेत में पानी जा रहा था। किसान ने अपने उनके मोहल्ले वालों का पानी किसान ने बंद कर दिया है। अब पानी की निकासी नहीं थी, उसी संबंध में हमने एचडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एचडीएम साहब ने कहा है हम इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराएंगे। कल एचडीएम साहब ने एक टीम गठित की थी, टीम मौके पर गई थी, टीम ने वहाँ मौके पर जा कर के देखा तो किसी किसान की भूमि में, निजी भूमि में पानी निकासी का एक अस्थायी तौर पर पानी निकासी करवा दी थी। आज सुबह किसान ने पानी फिर बंद कर दिया है। चूँकि किसान की निजी संपत्ति है, अब किसी की निजी संपत्ति में हम नाला नहीं निकाल सकते, तो अभी एच डी एम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको हम ये नाला हम मंडी समिति को प्रस्ताव भेज कर जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कराने का कोशिश करेंगे। एच डी एम पास के साथ आज सर के पास आए हैं। हमारी समस्या ये है, हमारे घरों के सामने पानी है, नाल जिस खेत में पानी निकल गया था उन्होंने बंद कर दिया है। हमारे घरों का आगे पानी नहीं रुका पड़ा है। हमारे बच्चों को 15 दिन हो गए स्कूल गए, भी हमारे बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल भी, और पानी इतना इतना पानी है। हम के सारे सरकारी नाला निकल जाए हमारे कम मकानों के पीछे कुछ आए खेतों में को ये काम है। हम इस बार में आए एसडीएम के पास, सर के पास। तो उधम सिंह नगर के जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन यादव ने काशीपुर एसडीएम कार्यालय में अवैध कॉलोनी को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की। बता दें कि अवैध कॉलोनियों पर पूर्व में चालानी कार्रवाई की गई थी और अवैध कॉलोनियों पर दिए गए नोटिस की फाइलों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण करने के लिए नियमावली का पाठ भी पढ़ाया। तो काशीपुर में पूर्व में 56 कॉलोनियों पर चालानी कार्रवाई की गई थी और अवैध कॉलोनी संचालकों के हाथ में नोटिस थमाया गया था, जिसको लेकर जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो जय किशन यादव ने कहा कि अगर कोई सही और वैध कॉलोनी के मानक पूरे करता है तो उसको नक्शा पास की परमिशन भी दी जाएगी। जी नमस्कार, इस कॉन्टेक्स्ट में एज ए उपाध्यक्ष मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डेली पर वीक एक दिन काशीपुर के ऑफिस में बैठूँ। तो थर्सडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैठेंगे और जो भी हमारी चलानी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको यहाँ पे सुना जाएगा। जैसे आज हम लोगों ने 5 to 6 ऐसे कॉलोनीज को चिन्हित किया था जिसको हम लोगों ने चालान किया है और उसकी आज सुनवाई थी। तो उन्हें जहाँ पे हम नक्शा पास कर सकते हैं वहाँ पे विधिवत नक्शा पास करने के लिए आदेशित किया गया है और उनका कोर्ट प्रोसीजर चल रहा है। उधर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अपनी पत्नी साक्षी सिंह धोनी के साथ एक पहाड़ी गाने पर नाचते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पारंपरिक गढ़वाली नृत्य करते हुए एक वीडियो में कैद हुए। वीडियो में क्रिकेट आइकन पूरी तरह से डांस की धुन में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे और अपने परिवार के साथ उस वक्त का आनंद ले रहे थे। फैंस विशेष रूप से धोनी को देखकर आश्चर्य में थे और इस वीडियो को काफ़ी शेयर भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ऋषिकेश में एक शादी समारोह का है जिसमें धोनी अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे। तो क्रिकेट के मैदान पर अपने शांत और संयमित व्यवहार के लिए जाने जाने वाले एमएस धोनी का ये रूप फैंस को काफ़ी भा भी रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान का अभिवादन किया है। तो कॉर्बेट नगरी रामनगर में वन पंचायत सरपंच संगठन कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों, वन अग्नि की घटनाएं, वन विभाग ग्रामीणों के आपसी तालमेल बनाए रखने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी से बात की। प्रकाश चंद्र आर्य ने सभी मांगों की समस्या का जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया, साथ ही उन्होंने कार्यों की सराहना भी की। ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव हमारे जो वन अग्नि की घटनाएं होती हैं, आपसी जो वन अग्नि काल आ रहा है उसको लेकर के बहुत सुंदर उनके द्वारा विचार और अपनी जो अभिव्यक्ति दी गई है उससे मैं सहमत हूँ और हम चाहते हैं कि जो उनका द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाने में हमसे जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, जरूर निश्चित तौर पर करेंगे। उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो उनके द्वारा अपने काम बताए गए हैं वो वास्तव में सराहनीय है और मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो इसी तरह काम करते रहेंगे और हम लोगों को जो है उसमें सहयोग मिलता रहेगा। और एक जो बात उन्होंने ये कही कि हमारा जो वन विभाग का और ग्रामीणों का जो संपर्क है, आपसी संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत कम हो रहा है। तो 15 दिसंबर को रुड़की बीईजी और कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा जिसमें दौड़ में लगभग 5,000 से ज्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे। वहीं प्रथम स्थान पर रहने वाले विजेता को 50,000 का इनाम और ट्रॉफी भी दी जाएगी।
कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ, सभी आयु के लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। वहीं मैराथन दौड़ बीईजी ग्राउंड से पिरान कलियर तक आयोजित की जाएगी। मैराथन 3 कैटेगरी में रहेगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन है हमारी, और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए के हमने प्राइजेस रखे हैं इसमें। इसमें आपका सीनियर सिटीजन की अलग कैटेगरी है, मेल और फीमेल की अलग कैटेगरी है। हैंडीकैप जो आएगा उसका भी हम फैसिलिटेट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन आएगा उसको भी फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी यू कोशिश रहेगी कि हम 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें जोड़ पाएँ, क्योंकि 4,000 का क्राइटेरिया हमारा पिछली बार का। ये बीईजी के परेड ग्राउंड से शुरू होकर कलियर तक और वापस कलियर से बीईजी। अग्निवीर भर्ती जो है वो ज़रूर की जा रही है, और उसके बारे में काफ़ी बैठक हुई जॉइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक भर्ती चलेगी। 1500 लोग पर डे आएंगे, उसको लेकर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं जरूरत है, चाहे वाटर का टैंकर हो या फायर की गाड़ी हो, सेसपूल हो, हमारी फॉगिंग मशीन हो, कर्मचारी हो, वो सारे के सारे सरेक से जितना कोऑपरेशन हो रहा है सब लोग कर रहे हैं। तो हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर वर्षों से पहले अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध भी किया। उनका आरोप था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और अचानक उनके निर्माण। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से नियमानुसार की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बैरागी कैंप की यह भूमि साधु संतों और कुंभ मेले की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ और अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए थे, तो प्रशासन ने एक सिरे से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद प्रभावित लोग प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं और आगे न्याय की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पर मेला लगे, कुंभ लगे, तो उसका उपयोग किया जा सके। तो आबकारी विभाग और प्रवर्तन दल ने मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। आबकारी टीम को सूचना मिली कि व्यक्ति हरियाणा ब्रांड की शराब कम दाम में बेच रहा है। आबकारी और प्रवर्तन दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम बिदौली में दबिश देकर उक्त व्यक्ति के घर से 7 पेटी, 2 बोतल लूज, कुल 86 बोतल विदेशी शराब और समुद्र पार आयातित मदिरा बरामद किया। इस कार्रवाई में आबकारी टीम ने मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। चंडीगढ़ शहर से सस्ते दामों में शराब लाकर देहरादून शहर में ज्यादा मूल्य में बेची जाती थी। वहीं हरिद्वार की जुर्स कंट्री सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम कमेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई। महिलाओं का आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। महिलाओं ने बताया कि कुत्ते आए दिन कॉलोनी में घूमते रहते हैं और कई बार बच्चों को काट भी चुके हैं। इस बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। डीएम कमेंद्र सिंह ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाता है। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं, अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फेंकेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है, खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कहते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है, तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दिए मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं? और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे इतने सारे कुत्ते।